हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई हिल टेक। फ्रेंड्स, काफी लंबे समय इंतजार के बाद फाइनली मेरा जो पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव्ड हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर अप्लाई किए हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन दिए हुए हैं तो आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि जब आप अप्लाई करते हैं पंजाब नेशनल बैंक क्रेडिट कार्ड तो एक्चुअल उसका टाइमिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग का टाइमिंग क्या होता है। जैसा कि आपको भी पता है, पंजाब नेशनल बैंक जो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट है, इनका जो काम है काफी स्लो है, इनका जो प्रोसेसिंग होता है काफी स्लो होता है और थोड़ा टाइम लग जाता है। एक्चुअल में मैंने अप्लाई कब किया था, मेरा वीडियो केवाईसी अप्रूव्ड कब हुआ था और फिर वीडियो केवाईसी अप्रूव्ड होने के बाद मेरा क्रेडिट कार्ड कब अप्रूव्ड हुआ, ये सारा डिटेल्स मैं आपको आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। पिछला वीडियो मैंने फ्रेंड्स बताया था कि अप्लाई करने के बाद मेरा वीडियो केवाईसी कब अप्रूव्ड हुआ था, और आज के इस वीडियो में पूरा मैं आपको डिटेल्स फुल बताऊंगा अप्लाई से लेके अप्रूव तक का, कि मेरा जो है पूरा टाइमिंग कितना लगा। और इसके बाद वीडियो केवाईसी अप्रूव्ड होने के बाद अगर आपको ऐसा SMS आता है तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कैसे आप इसे जो है कि इस समस्या को आप जो है कि सॉल्व कर सकते हैं, ये भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। यानी कि क्रेडिट कार्ड जो एप्लीकेशन से जो भी मन में आपके डाउट होंगे ये सारे आज के इस वीडियो में क्लियर होंगे। अभी तक क्रेडिट कार्ड मुझे मिला नहीं है, डिस्पैच नहीं हुआ है, मगर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मुझे मिल गया है जो कि मैं एक्टिवेट करके दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे बिना वक्त के हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मेरा वीडियो केवाईसी अप्रूव्ड हुआ कब था, जो कि मेरा मुझे मैसेज मिला था। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 9 मई को अपना वीडियो केवाईसी किया था और यहाँ पे 1 जून को मुझे वीडियो केवाईसी अप्रूव्ड होने का मैसेज SMS आया। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वीडियो केवाईसी विद PNB हैज बीन अप्रूव्ड, यानी कि मेरा 1 जून को मेरा के जो क्रेडिट कार्ड का जो वीडियो केवाईसी है वो यहाँ पे अप्रूव्ड हुआ 20-22 दिन के बाद से। तो ये वीडियो केवाईसी में ही काफी लंबा समय मुझे लग गया, ठीक है। इसके बाद वीडियो केवाईसी जब हो गया उसके बाद बताया गया कि मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, तब मुझे SMS आया था कि सबमिट अब हुआ, यानी कि 4-5 तारीख को SMS आया कि अब आपका जो है कि एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। नेक्स्ट मुझे फ्रेंड्स यहाँ पे 1 तारीख को जो मेरा वीडियो केवाईसी अप्रूव हुआ उसके दूसरे दिन यानी कि 2 जून को मुझे एक PNB की तरफ से SMS आया, जो कि आप देख सकते हैं, योर कार्ड एप्लीकेशन नंबर लाइंग डिस्क्रिपेंट, ये जो है कि यहाँ पे SMS आया था मुझे, प्लीज कॉन्टेक्ट योर नियरेस्ट ब्रांच। तो ऐसा SMS आपको भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे देखेंगे तो प्लीज कॉन्टेक्ट योर नियरेस्ट ब्रांच, तो आपको घबराना नहीं है, कोई ब्रांच आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑनलाइन ही आपका इस समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो SMS आया उसके बाद मैंने PNB क्रेडिट कार्ड को एक मेल किया था, जो कि मैं दिखा देता, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने उसी दिन एक मेल किया था कि सर ये जो मैसेज आया है इसका मतलब क्या है, अगर कुछ कोई डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत है तो आप मेल पे मुझे बताइए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसा मैंने उनको लिख के यहाँ पे भेजा था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपका वीडियो KYC होने के बाद से ऐसा SMS अगर आपको मिलता है तो समझिएगा कि कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कुछ इनको चाहिए आपसे, कोई डॉक्यूमेंट आपसे ये डिमांड कर रहे हैं, इसके लिए आप उनसे मेल करके पूछ सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट को आपकी जरूरत है। नहीं तो आप अगर इनसे नहीं पूछेंगे तो ये तो मेल करके आपको बताएंगे ही कि मुझे एक डॉक्यूमेंट चाहिए, मगर काफी ज्यादा समय लगा देंगे, इसमें भी वो लोग 1 हफ्ता 10 दिन लगा देंगे मेल करने में, उसके बाद से आप डॉक्यूमेंट देंगे, उसके बाद फिर प्रोसेस होगा और लंबा समय हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप ही उनसे पूछ लीजिएगा कि हाँ इसका क्या प्रॉब्लम है, मुझे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो बताइए, और आप उनसे पूछकर प्रोवाइड करा दीजिए, ताकि आपका जो है कि वर्क काफी जो है कि प्रोसेस जो है कि थोड़ा फास्ट हो जाए। इसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ पे साफ साफ बताया कि आपका जो एप्लीकेशन है लैंग डिस्क्रिपेंट है, यहाँ बताया जा रहा है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लीज प्रोवाइड ITR ऑफ असेसमेंट ईयर 21-22, यानी कि मुझसे ITR का डिमांड किया जा रहा था, इसलिए मुझे ये SMS में लिखकर भेजा गया था, ठीक है। ये मेल करके पहले ही ये बोल देते कि आपका एप्लीकेशन ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है, आप ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए, तो पहले वो SMS भेज के डराए, उसके बाद से ये मेल पूछने के बाद मेरे ये पे आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 21-22 का जो मेरे पास ITR था वो मैंने उनको भेज दिया, ठीक है, उनको मैंने भेज दिया। उसके बाद से मुझे एक और मेल आता है, तो जब मैंने उनको अपना ITR प्रोवाइड कर दिया, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स को वो डिमांड कर रहे थे मैंने उन्हें डॉक्यूमेंट दे दिया, उसके बाद से मुझे ये मेल आया कि
दो तीन दिन के बाद मुझे ये मेल आया कि डियर सर, वी थैंकफुली क्लोज्ड रिसीव्ड ऑफ योर ईमेल, योर एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस। यानी कि मैंने जो डॉक्यूमेंट दे दिया इसके बाद से मेरा एप्लीकेशन अब अंडर प्रोसेस में चला गया है और इट विल बी प्रोसेस, ये बहुत जल्द जो है कि यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा, आपका जो है कि यहाँ पे एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा, यहाँ पे मुझे मेल करके ये बताया गया था। इसके बाद फाइनली मुझे ये आज एसएमएस मिला यानी कि 13 जून को कि आपका क्रेडिट कार्ड, पीएनबी क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गया है और आपका कार्ड 5 दिनों के अंदर में आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। यानी कि 1 जून को मेरा वीडियो केवाईसी अप्रूव्ड हुआ, 2 जून को मुझसे मेरे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की गई, डिमांड नहीं की गई, मुझे एसएमएस भेजा गया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मैंने उन्हें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया, उसके बाद से मेरा जो है कि यहाँ पे 13 तारीख को कार्ड अप्रूव्ड हो गया। मैंने अप्लाई कब किया था, 8 मई को, 9 मई को मेरा वीडियो केवाईसी हुआ था, 1 जून को वीडियो केवाईसी अप्रूव्ड हुआ और 13 जून को मेरा, यानी कि मेरा कुल मिला के 1 महीना 5 दिन लगा क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव्ड होने में। अप्लाई करने से लेकर वीडियो केवाईसी, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने डिमांड की थी वो मैंने भेजा और इसके बाद से मेरा क्रेडिट कार्ड आज अप्रूव्ड हुआ। तो कुल मिलाकर मुझे ये पूरा जर्नी में मुझे 1 महीना 5 दिन मुझे लग गया, 1 महीना 5 दिन मैंने यहाँ पे वेट किया है। ठीक है, अभी 5 दिन ये बता रहे हैं क्रेडिट कार्ड भेजने में, पता नहीं कितना वक्त लगेगा। जब भी क्रेडिट कार्ड मेरे घर पे डिस्पैच हो जाता है तो मैं आपको वीडियो बना के, उसका अनबॉक्सिंग वीडियो बना के मैं दिखा दूंगा और मैं ये भी बता दूंगा कि अप्रूव्ड होने के बाद से कितना समय लगता है एक्यूरेट, ठीक है, आपको घर पे क्रेडिट कार्ड पहुंचने के लिए, डिस्पैच होने के लिए। डिस्पैच होने के बाद तो ये आपके एड्रेस के हिसाब से वो पहुंचता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, स्पीड पोस्ट से जाएगा तो 1 हफ्ता भी लग सकता है। डिस्पैच कब हुआ है ये मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्ट कि डिस्पैच कब हुआ है, ठीक है, ये मैं डिटेल्स आपको दे दूंगा और अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैं वहां पे बना के दे दूंगा। ये रुपए वेरिएंट का मेरा पीएनबी प्लेटिनियम क्रेडिट कार्ड है जो कि मैं अनबॉक्स करके आपको ये दिखा दूंगा। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको वही मैसेज मिलता है, सबको वही मैसेज मिलता है, जो भी किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी का आधार कार्ड में, पैन कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो, इनकम प्रूफ चाहिए या फिर कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स इनको चाहिए, तो वही एक एसएमएस ये भेज देते हैं, आदमी परेशान हो जाता है कि ऐसा एसएमएस क्यों आया। तो फ्रेंड्स इस तरह से इनका पूरा प्रोसेस हुआ, देख सकते हैं काफी स्लो प्रोसेस हुआ मगर यहाँ पे कार्ड फाइनली अप्रूव्ड हो गया है। तो अगर आपके साथ भी वैसा मैसेज आता है तो फिर आप उनसे डिमांड पूछ सकते हैं कि आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्यों मुझे ऐसा एसएमएस मिला हुआ है, तो आपको बता देंगे, तो आप फौरन उनको डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपका जो प्रोसेस है ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन थोड़ा आपका फास्ट जो है कि प्रोसेसिंग में चला जाएगा, जल्दी आपका कार्ड अप्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि इस जो क्रेडिट कार्ड जो है, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मुझे मिला हुआ है, तो इस वर्चुअल क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कैसे करते हैं शॉपिंग के लिए, आप वर्चुअल क्रेडिट कार्ड को इसको यूज कर सकते हैं, फिजिकल क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है, जब फिजिकल क्रेडिट कार्ड आए तो भी उसको आप यूज कर सकते हैं, फिलहाल इसको वर्चुअल भी आप कार्ड यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो मैं अगला वीडियो बना के आपको बताऊंगा इस क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कैसे करना है और इसके बाद से आप पीएनबी का जो जीनी एप्लीकेशन है उसमें अपने क्रेडिट कार्ड को कैसे सेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या सर्विस उसमें दिया जाता है पीएनबी जीनी एप्लीकेशन में, उस एप्लीकेशन का मैं पूरा रिव्यू कर दूंगा और कार्ड का पिन भी बनाने के बता दूंगा और कार्ड का जो पूरा मैनेज करने का मैं उसी वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के बता दूंगा। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।